हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्षिता खाक के साथ। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 जनवरी 2022 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कल दिन भर की सुर्खियों से बने हैं। गाइस, जैसा कि हम लोग डेली करते आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर्स के डिस्कशन के बाद, और लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलते हैं, आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कल ही मैंने अपने एक हल्का सा मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, आज इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी, 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्या रीज़न है कि इसी दिन क्यों मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन गाइस क्या हुआ था, 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसीलिए क्या किया जाता है, इस दिन को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, मनाने का उद्देश्य क्या है? देश में चुनाव में जो मतदान करने वाले लोग हैं उनको बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। क्या उद्देश्य है कि चुनाव में मतदान करने के लिए लोगों को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए क्या करना, प्रेरित करना, ये इसका उद्देश्य। और क्यों मनाया जाता है ये भी मैंने बता दिया, इसी दिन क्यों मनाया जाता है ये भी मैंने बता दिया। और ये कब से स्टार्ट हुआ है, 2011 से, 2011 से मनाया जाना ये स्टार्ट हुआ है। और इस बार जो इसका संस्करण है वो कौन से नंबर का है, 12वें नंबर का है, 12वां संस्करण इस बार इसका है। तो चलते हैं और भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। थीम क्या रखी गई है इस बार की, थीम देख लेते हैं। चुनावों को समावेशी सुगम और चुनाव को समावेशी सुगम और क्या करना, सहभागी बनाना। क्या करना, सहभागी बनाना, ये क्या है आपका थीम है। और चलते हैं, कुछ जानकारी ले लेते हैं। अगर बात करें कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। अगर वर्तमान का पूछे कि प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो कौन है, सुशील चंद्र। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, सुशील चंद्र, वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में। और अगर ये पूछ ले कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वो कौन थी, रमा देवी। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर बात करें भारत निर्वाचन आयोग की, अगर बात करें भारत निर्वाचन आयोग की, तो ये क्या, इसका उल्लेख हमारे संविधान में है, ये एक संवैधानिक प्राधिकरण है। और इसका कार्य क्या होता है भारतीय निर्वाचन आयोग का, भारत में चुनावी प्रक्रिया का क्या करना, निर्वहन करना, चुनावी प्रक्रिया का निर्वहन करना, प्रक्रिया का निर्वहन करना,
ये क्या करता है, भारत जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, ये लोकसभा चुनाव, विधान राज्य में विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का क्या करता है, निर्वहन करता है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सभी के चुनाव का क्या करता है, निर्वहन करता है। अगर बात करें कि ये संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो आर्टिकल 324 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टार बना लीजिए, जितने भी फैक्ट बता रहे हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं पॉलिटी के दृष्टिकोण से। तो ये जो है किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में, 324 के तहत ये जो है भारतीय निर्वाचन आयोग कार्य करता है और इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लागू किया गया है। इसकी स्थापना तो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर ये और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि जो 21 से घटा करके उम्र 18 कर दी गई थी, किसके लिए कर दी गई थी, वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी, ये किस संशोधन के थ्रू की गई थी, किस संशोधन के तहत की गई थी, तो 61वें संशोधन के तहत ये क्या किया गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 61वें संशोधन के तहत जो एज है 21 से 18 वर्ष वोट डालने की गई थी और इसका आर्टिकल मैंने ऑलरेडी बता दिया 324। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनने वाले थे क्लियर हो गए होंगे आपको। और गाइस सेशन को शेयर कर दीजिए, आप लोग भूल जाते हैं शेयर करना और लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग, तो लाइक भी कर दीजिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मतलब हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सबको पता है, बच्चे को पता है, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा डीप जानना है इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को कोई भी क्वेश्चन, बहुत लोगों को नहीं पता है कि इसके बारे में नहीं पता कि किस नंबर का ये है, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है। तो 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस साल भारत अपना कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो किस नंबर का है, 73वें नंबर का है। किस नंबर का है गाइस, 73वें नंबर का है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 73वां गणतंत्र दिवस भारत इस बार अपना मनाया है और इस वर्ष समारोह बहुत ही विशेष है। क्यों विशेष है, क्योंकि जो भारत है वो अपने स्वतंत्रता के किस वर्ष में है, 75 ईयर, 75 वर्ष हो गए हैं और इसीलिए इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए इसको किस महोत्सव के रूप में, आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ अपना मना रहा है भारत। तो गणतंत्र दिवस, तो ये गणतंत्र दिवस की बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस जो है ये उस तारीख को बताता है जिस दिन क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारत का जो संविधान है वो, भारत का संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को आज के दिन क्या हुआ था, 26 जनवरी के दिन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और ये मतलब भारत सरकार अधिनियम, और इसके पहले जो था वो मतलब किस रूप में, मतलब किस आधार पर चल रहा था भारत का कानून, 1935 के आधार पर चल रहे थे। संविधान जब लागू नहीं हुआ था, इसके पहले के जो कानून हैं वो किस अधिनियम के आधार पर चल रहे थे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर चल रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि ये आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि अब हमें क्या करना है, हमारा एक स्थायी संविधान होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनती है, एक मसौदा समिति की नियुक्ति की जाती है। कब की जाती है, 28 अगस्त 1947 में क्या किया जाता है, एक मसौदा समिति की नियुक्ति की जाती है। मतलब किसके लिए, कि हमारा एक संविधान होना चाहिए इसके लिए। और इस मसौदा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो किनको बनाया जाता है, किनको नियुक्त किया जाता है, बी आर अम्बेडकर जी को, बी आर
अंबेडकर, बी आर अंबेडकर जी को। ये क्लियर हो गया होगा, जितने भी फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते चलिए। फिर क्या होता है कि 28 अगस्त 1947 को मसौदा समिति की नियुक्त की जाती है, जिसमें बी आर अम्बेडकर को क्या किया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर क्या होता है कि 3 साल बाद, ये 28 अगस्त 1947, उसके 3 साल बाद क्या होता है, 3 साल बाद यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर क्या किया जाता है, कई संशोधन होते हैं इसके, उसके बाद क्या किया जाता है, इसको पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। कब किया जाता है, 24 जनवरी 1950 को। और फाइनली क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो जाता है। तो ये पूरी कहानी थी जिसको आपको बता दिया गया है। और उसी दिन से हम क्या करते हैं, तभी से गणतंत्र दिवस के रूप में भारत में इसे मनाया जाता है। चलते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। किस भारतीय फिल्म ने 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में 23 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसमें पहला फैक्ट देखते हैं क्या है, पहला तो है कि ये कौन सा फिल्म महोत्सव है, पहला फैक्ट क्या बनता है आपका कि कौन सा फिल्म महोत्सव, 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए ये ढाका कहाँ पर है, तो ये बांग्लादेश, बांग्लादेश की क्या है ये राजधानी है ढाका। तो वहाँ पर क्या है, 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस प्रतियोगिता में, एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में, कब, 23 जनवरी 2022 को, किस फिल्म किसका पुरस्कार जीता, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो किसने मतलब किस मूवी ने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, तो वह कुजंगल, कुजंगल ये किसके द्वारा मतलब निर्देशित किया गया है, इसके डायरेक्टर कौन है, तो वो देख लीजिए, पी एस विनोद राज इसके क्या है, कुजंगल जो मूवी है इसके क्या है ये डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं। ये क्लियर हो गया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जो मैंने फैक्ट बताया वो इम्पोर्टेंट है, तो पूरा सब नोट करते चलिएगा। तो ये जो है कि क्या बताया मैंने कि इसमें कुजंगल को क्या किया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। और आगे देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कई कैटेगरी में इस पुरस्कार मिला है, तो सब नहीं बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है बस वही बता रहे हैं कि देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो जय सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। तो किस फिल्म के लिए दिया गया, फिल्म सनी के लिए, सनी कोई मूवी है, तो उस मूवी के लिए जय सूर्या को, और इसके निर्देशक कौन है, रंजीत शंकर के द्वारा निर्देशित फिल्म सनी के लिए जय सूर्या जो है अभिनेता, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए स्किप कर रहे हैं, बाकी जो जैसे कई कैटेगरी में पुरस्कार मिला है तो उसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर गाइज ये पूछे कि अभी ऑस्कर अवार्ड के लिए, ऑस्कर अवार्ड 2022 में भारत की ओर से किस फिल्म की आधिकारिक रूप से एंट्री हुई है, तो इसी कुजंगल की ही हुई है। ऑस्कर अवार्ड 2020 में भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री किस मूवी की हुई है, किस फिल्म की हुई है, तो कुजंगल की ही हुई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका बता दिया मैंने, इसकी मुद्रा जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, टका, ये भी ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्रुकिंग्स, क्या क्वेश्चन है, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन,
ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रकाशित कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में तकनीकी प्रगति और वित्त पोषण के मामले में भारत किस स्थान पर है। क्या क्वेश्चन है इसमें, अभी केवल ये कहे कि भारत AI के मामले में, यानी कि अगर ये पूछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो खाली ये पूछे कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में किस रैंक पर है, तो वो हो जाएगा 7th रैंक पर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तकनीकी प्रगति और वित्त पोषण के मामले में, तकनीकी प्रगति और वित्त पोषण के मामले में, इन्वेस्ट के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो वो है 6th रैंक पर। एक मिनट गाइस, आप लोग को दिखाते हैं, एक मिनट जी, आप लोग देख रहे होंगे। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने में भारत किस नंबर पर है, 7 नंबर पर है। एक मिनट और दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग, वर्तमान में सार्वजनिक सरकारी पहल के साथ निजी संस्थान और संगठन AI पर खर्च व निवेश के मामले में किस स्थान पर है, 6th स्थान पर है। किस स्थान पर भारत है, 6th नंबर पर। ये आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर ये 6th स्थान पर है तो क्वेश्चन ये उठता है कि 1st, 2nd, 3rd, आखिर ये 6th नंबर पर, तो इसके पहले कौन है और भारत से, भारत के बाद कौन आते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है। तो देख लेते हैं हम लोग एक एक करके, अपने क्वेश्चन पर जाते हैं, वहीं देख लेते हैं एक मिनट। यस, ये तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए पहले तो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन द्वारा ये प्रकाशित हुई है रिपोर्ट, और इसमें बताया गया है किसमें, और अगर फर्स्ट पे देखा जाए तो वो है अमेरिका, सेकंड पर चाइना, फर्स्ट पर अमेरिका, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर कौन है, फ्रांस, कम से कम 3 तो पता होना चाहिए, एक भारत की रैंक पता होनी चाहिए। तो अमेरिका हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको क्रम पता चल जाए कि भारत का क्रम कहाँ आ रहा है। अमेरिका, चीन, फ्रांस, 4th पे है जापान, 5th पर है जर्मनी, अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी एंड फिर कौन है, भारत। तो ये किस नंबर पर है, 6th नंबर पर है। और भारत के अगर बात करें कि इटली, कनाडा, इटली, दक्षिण कोरिया, ये सब जो हैं, ये सब भारत के बाद इनकी रैंक है, भारत से ये सब क्या हैं, पीछे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, तकनीकी प्रगति और वित्त पोषण के मामले में विश्व में टॉप 10 में शामिल है। ये क्लियर हो गया होगा। और AI पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर खर्च की बात की जाए, इन्वेस्ट की बात की जाए कि निवेश के मामले में, तो वो किस रैंक पर है, 6th नंबर पर है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन सूचकांक, क्या क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक, मुख्य प्रदर्शन संकेतक मतलब KPI साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया है। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPI का मतलब क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मुख्य प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया है। तो कौन सा पोर्टल है, कोयला दर्पण पोर्टल। और इस पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कोयला मंत्रालय,
कोयला मंत्रालय, कोयला मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 21 जनवरी 2022 को ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और मतलब इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, उद्घाटन करने की बात हो, उद्घाटन तो वो किया है जो कोयला सचिव हैं, कोयला सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन उन्होंने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। और कोयला मंत्री कौन है प्रहलाद जोशी। अगर बात करें कि भारतीय कोयला मंत्रालय जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली, ये क्लियर हो गया होगा। कुछ फैक्ट पर चर्चा कर लेते हैं। जो कोयला विश्व स्तर पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाई जाती है कोयला जीवाश्म ईंधन है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इसका यूज़ तो सबको पता है किस किस के रूप में, ईंधन के रूप में, और क्या करते हैं, लोहा, इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योग में बिजली पैदा करने के लिए, तो इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। और कोयले से उत्पन्न जो बिजली होती है उसको क्या कहते हैं, थर्मल पावर कहते हैं। कोयले से उत्पन्न बिजली को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल पावर कहते हैं। और देख लेते हैं कोयले को देखा जाए, एक मिनट, कोयले को मुख्य रूप से चार भागों में बांटते हैं, मतलब चार भाग, हाँ इसके चार प्रकार हैं। कोयले को मुख्य रूप से चार भागों में बांटते हैं, इसके चार प्रकार हैं। कौन कौन से चार प्रकार हैं देख लेते हैं। एंथ्रेसाइट इम्पॉर्टेंट है जो बता रहे हैं, एंथ्रेसाइट, ये ई है, थोड़ा इससे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए हम बोल देते हैं दो तीन बार, एंथ्रेसाइट। दूसरा है बिटुमिनस। तीसरा है लिग्नाइट एंड फोर्थ है पीट कोयला। कोयले के चार प्रकार हैं मुख्य रूप से, एक है एंथ्रेसाइट, सेकंड है बिटुमिनस, थर्ड लिग्नाइट, फोर्थ पीट। अगर देखा जाए कि सबसे उच्च क्वालिटी की, सबसे अच्छी क्वालिटी की जो कोयला है वो कौन सा है, एंथ्रेसाइट है, और ये भारत में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है एंथ्रेसाइट। बात करें बिटुमिनस की, तो भारत में जो यूज़ किया जाता है कोयला वो कौन सा यूज़ किया जाता है, बिटुमिनस। कौन सा कोयला भारत में यूज़ किया जाता है, बिटुमिनस। और जो लिग्नाइट है ये उससे कम अच्छी श्रेणी का है। और सबसे खराब श्रेणी का जो कोयला है वो कौन सा है, पीट कोयला है। पीट प्रकार का जो कोयला है ये सबसे खराब श्रेणी का है। और अगर बताएं, ये क्वेश्चन पूछता है कि कोयले की खान से कौन सी गैस निकलती है, तो कोयले की खान से जो गैस निकलती है उसका क्या नाम है, मीथेन गैस। कोयले की खान से निकलने वाली गैस का क्या नाम है, मीथेन गैस है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये जो रैंकिंग दी गई है कोयले की, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, तो इसमें जो मतलब कैसे रैंकिंग की गई है, किस तरीके से, तो उसमें जो मौजूद कार्बन है उसके प्रकार, उसकी मात्रा और कोयले की ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा पर क्या किया गया है, इसकी रैंकिंग की गई है। अगर देखा जाए तो दुनिया में जो पूरे मतलब वर्ल्ड की बात की जा रही है, उत्पादकों में देखा जाए, कोयला उत्पादकों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं। कोयला उत्पादकों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत शामिल हैं। अगर भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र देखा जाए तो कहाँ कहाँ पर ये होता है वो देख लेते हैं। तो अधिकतर देखा जाए तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, झारखंड में देखने को मिलता है।
तो झारखंड में वो कौन कौन से स्थान है जहाँ पर इससे इसका उत्पादन होता है? तो झारखंड में जो है रानीगंज, रानीगंज, झरिया, धनबाद, धनबाद, बोकारो शामिल है, बोकारो। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनने थे मैंने डिस्कस कर लिया है आपके साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। क्या क्वेश्चन कह रहा है? CSIR, एक मिनट, CSIR ड्रग, एक मिनट, CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, सी सेंट्रल, डी ड्रग, आर रिसर्च आई इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन से एक स्वदेशी किट विकसित की है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? फिर से पढ़ रहे हैं। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण, मतलब कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसके परीक्षण के लिए कौन से स्वदेशी किट विकसित की है? तो क्या नाम है उसका? ओम, ओमिक्रॉन, ओम, OM, ये विकसित की है। एक मिनट दिखा देते हैं। ये देखिए, ओ थोड़ा सा ब्लर है, बट इसमें क्या मतलब खासियत है, इसकी क्या विशेषता है कि पहले तो इसकी इसकी कीमत जो है कम है, इसकी जो कीमत है वो कम है, 150 रुपये की किट है। ये जो किट है वो कितने की है? 150 रुपये की है, 150 रुपये की। और इसका मतलब जो रिजल्ट है, इसका परीक्षण जो है, मतलब इसका जो परिणाम आ जाता है वो मात्र 2 आवर्स में, 2 आवर्स में इसका क्या है, रिजल्ट पता चल जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एक मिनट, तो क्या क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि CDRI ने क्या विकसित किया है? एक मिनट, ओम, ये क्या है? एक स्वदेशी स्वदेशी RT-PCR, RT-PCR डायग्नोस्टिक किट किट इसका किसने, CDRI ने क्या किया है, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये विकसित किया गया है। और ये मतलब क्या है कि ये किसी मतलब एक विशिष्ट परीक्षण के लिए किसी भी सरकारी संस्थान के द्वारा बनाई गई पहली और स्वदेशी रूप से बनाई जाने वाली ये क्या है, तीसरी किट है। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये जो है ओमिक्रोन के विशिष्ट परीक्षण के लिए किसी सरकारी संस्थान के द्वारा बनाई जाने वाली पहली और स्वदेशी रूप से बनाई गई या तीसरी किट है। क्लियर हो गया होगा इस मतलब कहने का मतलब, सरकारी सरकारी संस्थान के द्वारा बनाई गई तो पहली किट है, लेकिन निजी कंपनियों के द्वारा इसके परीक्षण के लिए ऑलरेडी 2 किट विकसित की जा चुकी है जो कि बाजार में उपलब्ध है। और ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये किट जो है ओम जो विकसित की गई है किट, ये 2 घंटे में ही क्या करेगी, परिणाम दे देती है। और इसको अभी क्या करना है, ICMR मतलब कि भारत, ICMR का मतलब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इससे क्या करना है, मंजूरी लेना है। मंजूरी मिल जाने के बाद इसको क्या करेंगे, मिड फरवरी तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इसको क्या किया गया है, अभी ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेज दिया गया है, बाकी पुष्टि होना अभी इसके लिए बाकी है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक क्वेश्चन और एक फैक्ट और बता देते हैं कि जो CDRI है इसका हेडक्वार्टर ये कहाँ पर स्थित है CDRI, तो ये है लखनऊ में स्थित है। इम्पोर्टेंट है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछता है कि ये संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। और ये जो COVID-19 का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये जो वेरिएंट है उसका क्या है, V.1.1 V.1.1.1.2
529, जो कि कहाँ से आई है, ये दक्षिण अफ्रीका से। तो ध्यान रखिएगा कहाँ से आई है, दक्षिण अफ्रीका से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और लाइक तुरंत कर दीजिए, और जो नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हाल ही में जीती है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हाल ही में जीती है? तो लद्दाख, लद्दाख जीता है। किसको हरा करके जीता है लद्दाख? चंडीगढ़, चंडीगढ़ को हरा करके कौन जीता? लद्दाख जीता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और अगर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में अभी कुछ मंथ पहले इसका राजकीय पशु और राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। तो जो लद्दाख का राजकीय पशु है, ध्यान रखिए अभी न्यूज़ में था पहले कुछ महीने पहले, हो सकता है कि पूछ ले, तो ना भी पूछे तो पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि इसका जो राजकीय पशु है लद्दाख का, वो क्या है? हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। और राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी जो है वो क्या है? ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लैक, ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। और लद्दाख का जो नेशनल पार्क हेमिसाई, ये पूछता है हेमिसाई, हेमिसाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये लद्दाख में ही है। पेंगोंग झील कहाँ पर है? पेंगोंग झील, ये भी यहीं पर है लद्दाख में। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेपच्यून स्ट्राइक 2022, नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? तो किस संगठन से संबंधित है गाइस? नाटो से, नाटो, NATO, जिसको अगर मतलब इंग्लिश में देखें तो क्या कहते हैं? नॉर्थ, नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक ट्रीटी, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इसको हिंदी में, हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक ट्रीटी, मतलब क्या होता है? संधि, संधि। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, तो उत्तर अटलांटिक ट्रीटी मतलब संधि संगठन। तो ये किससे संबंधित है? नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास, ये नाटो से संबंधित है। किससे संबंधित है? नाटो से संबंधित है। अगर बात करें कि ये अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, ये अभ्यास कहाँ पर किया गया, ये नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास कहाँ पर किया गया? तो भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। और ये कितने दिन के लिए? 12 दिवस का, 12 दिन के लिए ये अभ्यास आयोजित होंगे। और ये समाप्त कब होगी ये अभ्यास? 4 फरवरी को ये समाप्त हो जाएगी, 12 दिन तक चलेगी। 24 जनवरी को स्टार्ट हुई है, कब स्टार्ट हुई है? 24 जनवरी 2022 को स्टार्ट हुई है और 4 फरवरी तक ये चलेगी, यानी 4 फरवरी को ये समाप्त होगा। और इस अभ्यास को क्या कहते हैं? नेपच्यून स्ट्राइक 2022, इस अभ्यास को क्या कहते हैं? नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नहीं, नेपच्यून स्ट्राइक 22, नेपच्यून इसलिए 22 क्योंकि क्या हुआ 2022 में इसका आयोजन अभ्यास किया जा रहा है। तो नेपच्यून स्ट्राइक 22, ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? नौसेना के द्वारा, नौ सेनाओं के द्वारा ये अभ्यास किया जा रहा है भूमध्य सागर में। और देख लेते हैं कुछ फैक्ट, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। और देख लेते हैं नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। तो यहीं पर इसका नाटो का क्या है? हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें कि नाटो सैन्य समिति के नाटो अध्यक्ष कौन है, नाटो सैन्य समिति के नाटो अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल एडमिरल रॉब रॉब बाउर बाउर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए हाल ही में, किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की है। किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज, जहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज पूछ ले वो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ होगा, माइंड में तुरंत आ गया होगा। किसके लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की है? तो किसके द्वारा? मेघालय। किसके द्वारा? मेघालय, मेघालय राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए। और क्या कहते हैं, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को एक मिनट, जिंग JING जिंग किंग KEING जिंग किंग ज़री ज़री, अगर हिंदी में कहें तो जिंग जिंग किंग किंग, और क्या कहते हैं इसको, ज़री ज़री। इस लिविंग रूट ब्रिज को जिंग जिंग किंग ज़री भी कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है, ये जो ब्रिज है, इसको कैसे बनाया जाता है? इसको जो पारंपरिक जनजातीय ज्ञान होता है उसको यूज़ करके, जो रबड़ के वृक्ष होते हैं, रबड़ के वृक्ष वृक्षों की रबड़ के वृक्षों की जड़ों को क्या करते हैं, जोड़ करके, तोड़ करके, वो क्या करते हैं, ये ब्रिज बनाया जाता है। तो ये इसका पूरा, इसी के लिए इसको विश्व धरोहर स्थल का टैग देने की बात की जा रही है। अगर मेघालय की बात करें, तो मेघालय 21 जनवरी 1972 को, अभी थोड़े दिन पहले ही इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय अपना क्या मनाता है? स्थापना दिवस मनाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग। और अगर एक मिनट, अब यहाँ पे धरोहर स्थल की बात आ ही गई है तो देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? धृति बनर्जी। ये हो गया। अगर ये पूछ ले कि यूनेस्को का जो नवीनतम, यूनेस्को में शामिल नवीनतम स्थल क्या है? तो धौलावीरा। तो ये किस नंबर का है धौलावीरा? 40वें नंबर का। तो ये नवीनतम शामिल किया गया है धौलावीरा, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। और 39 नंबर का, ये तो 40 नंबर का हो गया। 39 नंबर का जो शामिल किया गया है यूनेस्को में, तो वो है तेलंगाना का। तेलंगाना का कौन सा मंदिर है? रामप्पा मंदिर। इसको क्या कहते हैं? रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, रामप्पा या रुद्रेश्वर मंदिर, जो कहाँ पर है? तेलंगाना। ये 39वां स्थल है, धरोहर स्थल है, जो यूनेस्को में शामिल किया गया है। और 40वें नंबर का क्या है? धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैज्ञानिकों के द्वारा, एक मिनट, वो आपको हम दिखा देते हैं। ये जो अभ्यास किया गया है भूमध्य सागर में, ये देखिए, नेपच्यून स्ट्राइक 22 कहा गया है, ये अभ्यास भूमध्य सागर में, ये। और जो लिविंग ब्रिज की बात की जा रही है, ये है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
कह रहा है कि वैज्ञानिकों के द्वारा वर्षा मेढक की नई प्रजाति का नाम किस पर्यावरण कार्यकर्ता के नाम पर रखा गया है? तो स्वीडिश ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर, स्वीडिश ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर इसका नाम रखा गया है। दिखा देते हैं इसको भी, ये देखिए इसकी खोज की गई है, इसकी जिसका नाम ये क्या है, ग्रेटा थनबर्ग है, इन्हीं के नाम पर इनका नाम, इसका नाम क्या किया गया है, रखा गया है। अब चलते हैं थोड़ा देख लेते हैं इस, ये जो मेढक है इसको कहाँ खोजा गया है, पनामा के जंगल में खोजा गया है, पनामा जंगल में इसकी खोज हुई है। और इसका जो नाम है, इस प्रजाति का नाम जो स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया। और इस प्रजाति को, ये जो प्रजाति खोजी गई है इसका क्या नाम रखा गया है, प्रिस्टी मांटिस ग्रेटा थनबर्गे, ग्रेटा थनबर्गे क्या नाम रखा गया है, प्रिस्टीमांटिस ग्रेटा थनबर्गे इसका नाम, इस प्रजाति का नाम रखा गया है। आमतौर पर इसको लोकप्रिय रूप से क्या कहा गया, ग्रेटा थनबर्ग रेन फ्रॉग के रूप में जाना गया, इसलिए वर्षा मेढक कहा गया इसको, यानी कि ग्रेटा थनबर्ग, एक मिनट लिख दे रहे हैं, ग्रेटा थनबर्ग रेन फ्रॉग इसको इस रूप में, इस नाम से इसको जाना जाता है। अगर मूल रूप से देखा जाए तो इसकी खोज कब की गई थी, 2012 में ही खोजा गया था मूल रूप से। और अभी, और इसको पहले से ही किसका हिस्सा माना जाता है, किस प्रजाति का, किस परिवार का, तो प्रिस्टीमेंटिस, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया, प्रिस्टीमांटिस ग्रेटा थनबर्गे। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्या क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो वो है कर्नाटक। अब ये देख लेते हैं AVGC क्या है, तो एक एक करके देख लेते हैं। AVGC, ए का मतलब क्या है, एनिमेशन। वी का क्या मतलब है, विजुअल, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स। जी का मतलब गेमिंग। और सी का मतलब कॉमिक्स। तो AVGC का मतलब एनिमेशन। वी का मतलब क्या बताया मैंने, विजुअल इफेक्ट्स। जी का मतलब गेमिंग और सी का मतलब कॉमिक्स। तो ये क्या है, भारत का पहला AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य बन गया है, कर्नाटका बन गया है। और देख लेते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। क्या कहा मैंने कि ये जो है, ये AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्या है, वित्त पोषित है। और कर्नाटक जो है ये ऐसा AVGC
COI स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य और एशिया का सबसे बड़ा केंद्र भी है। क्या कहा मैंने कि ये कर्नाटक जो स्थापित करने वाला ये क्या नाम है एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और यह एशिया का सबसे बड़ा केंद्र भी है। अगर बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु है। यहाँ के जो CM हैं वो है, कौन है, विश्वराज एस बोम्मई, बोम्मई। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल वो है थावरचंद्र गहलोत, थावर चंद्र गहलोत। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ कुछ और गाइज इसमें बता देते हैं आप लोगों को कर्नाटक के बारे में कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक में है नागरहोल। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बनेर घट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटका में ही है। और कर्नाटक संगीत का पितामह किसको कहा जाता है, पुंदरदास को कहा जाता है। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का ही है। जोग जलप्रपात कहाँ पर है, जोग जलप्रपात या गढ़सुप्पा जलप्रपात यहीं पर ही है। और कर्नाटक का जो नवीनतम जिला है, कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है, विजयनगर। विजयनगर इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये तो अभी हम लोग जब हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, फिर भी यहाँ थोड़ा सा बता देना। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी, के द्वारा की गई थी, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग फटाफट क्या करते हैं अपना क्वेश्चन जो अभ्यास प्रश्न है उसको देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। क्या क्वेश्चन कह रहा है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। ऑप्शन है आपके लिए कुली कुतुब शाह, सेकेंड है कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड है इस्माइल आदिल खान, फोर्थ है गजपति। तो आंसर क्या होना चाहिए, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, कुतुब शाह। तो विजयनगर के जो राजा हैं कृष्णदेव राय, उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान जो हैं कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी, कुली कुतुब शाह ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी, कुली कुतुब शाह ने की थी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विजयनगर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मतलब वहाँ जो विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी उसमें मुख्य रूप से क्या थी, कहाँ से आती थी। ऑप्शन है आपका अधिशेष लगान, बंदरगाह से आमदनी, मुद्रा प्रणाली या भू राजस्व। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें से, भू राजस्व। तो विजयनगर राज्य की जो थी वहाँ, विजयनगर राज्य में विभिन्न स्रोतों से बहुत मतलब अनेक अनेक स्रोत थे जो कि जहाँ से आय प्राप्त होती थी, जिसमें देखा जाए तो भू राजस्व मेन था, फिर संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक या सामुदायिक कर, अपराध के लिए जो दंड आरोपित किया जाता था अर्थदंड उससे भी आते थे। तो ये सारे आपके हो गए। और यहाँ पर जो उपज का 1/6 भाग, उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूला जाता था। इनके टाइम में 1/6 भाग जो था भूमि कर के रूप में लिया जाता था। और शिष्ट, ये क्या है, शिष्ट, शिष्ट इसको कहते थे भूमि कर। शिष्ट क्या था, भूमिकर था। शिष्ट क्या था, भूमिकर था।
तो ये भूमि शिष्ट नामक कर जो था राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। चलते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य का, एक मिनट, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन है विजापुर, सेकंड गोलकुंडा, थर्ड हम्पी और फोर्थ है बड़ौदा। तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष मिलता है वो मिलता है हम्पी। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। हम्पी वर्तमान रूप से ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो ये विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी, विजयनगर की प्राचीन राजधानी है। और विजयनगर काल में जो बना था विरूपाक्ष मंदिर वो कहाँ पर स्थित है? यहीं पर स्थित है। और हम्पी को क्या है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है? दीवाने अर्ज विभाग, ऑप्शन है शाही पत्रचार से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, शाही पत्रचार से, सेकंड विदेश विभाग से, रक्षा विभाग या वित्त विभाग। तो आंसर क्या हो जाएगा, दीवाने अर्ज विभाग जो है वो किससे संबंधित है? रक्षा विभाग से, रक्षा विभाग से। तो दीवाने आरिज कहो या फिर आरिज ए, दीवाने आरिज या फिर आरिज ए मुमालिक, मुमालिक, दीवाने आरिज या आरिज ए मुमालिक, ये सल्तनत काल में क्या था, सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही क्या होता था, दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना जो थी, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। किसने की थी? बलबन ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा हमारा, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है रायगढ़, पूना, सिंधुदुर्ग या कोल्हापुर। तो क्लियर हो गया होगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, रायगढ़। शिवाजी ने क्या किया था, 1674 में अपना राज्याभिषेक करा, इनका राज्याभिषेक होता है और ये क्या करते हैं, छत्रपति की उपाधि धारण कर लेते हैं और क्या करते हैं, रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं। जो बनारस के पंडित हैं विश्वेश्वर उर्फ, इनको वो भी कहा जाता था गंगा भट्ट भी, तो उन्हें मतलब उन्होंने ही क्या किया था, इनका राज्याभिषेक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? ऑप्शन है मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुब शाही प्रशासन या इनमें से कोई नहीं। तो सरंजामी प्रथा जो संबंधित थी वो थी मराठा, मराठा भू राजस्व प्रथा से, भू राजस्व प्रथा से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा जो थी मराठा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इसमें क्या होता था, इस समय मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए क्या की जाती थी, दी जाती थी। आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है वो है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का संबंध किससे है? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का संबंध बहुत चर्चा में है, इसका आंसर आप लोग नहीं पता होगा तो गूगल करिएगा और आंसर जरूर दीजिएगा। चलते हैं फटाफट, दो मिनट के अंदर कल का रिवीजन कर लेते हैं। 25 जनवरी का क्या क्वेश्चन कह रहा, वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया? 29। ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को, मंधाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में खीरे और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? भारत। जनवरी 2022 में इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अंक टाड के द्वारा। किस देश ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल लगाया है, घोषणा की है? पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में एकल महिला का खिताब जीता है, महिला एकल का खिताब जीता है? पीवी सिंधु ने। 21 जनवरी 2022 को किन राज्य सरकारों ने मिलकर आदि बद्री बांध डैम बनाने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार पुरातत्वविद और पुरालेखविद रामचंद्रन गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। भारत की पहली पैराबैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही, देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है। ये जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के कांजा में ये हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, ये देखिए मतदाता दिवस जिसके बारे में सब कुछ बता दिया गया था। कर्नाटक का लोकेशन दिखाना था आज हमारे उसमें आया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये है कर्नाटक, ये देखिए इसके बारे में जितने भी फैक्ट थे मैंने आपसे बता दिया है। तो आज के लिए, और मेघालय भी आया था, तो मेघालय तो कई बार दिखा चुके हैं, एक बार और देख लीजिए, ये है
तो मैप देखते रहिए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर पसंद आया हो, समझ आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो भी आपको बताया जा रहा है वो बहुत ख़राब बताया जा रहा है। ये आपके हर एग्ज़ाम में देखिएगा फंसेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कोई भी आपको आउट ऑफ सिलेबस बताया जा रहा है, कोई भी एग्ज़ाम में सभी में आएगा, यही सब आते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जो भी पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करिए, उनको भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन भी आप लोगों से प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिसेस कराएंगे क्वेश्चंस की। तो जितने लोग होंगे उतना मेरा क्या होगा, हौसला बढ़ेगा कि हमें और भी अच्छी चीज़ें करानी चाहिए। तो ये आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने लोगों को क्या, मतलब जितना भी हो सके शेयर करिए, कहने का मतलब बस यही है। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज बस और कुछ नहीं कहना है। चलिए आज कल फिर मिलते हैं, आगे नेक्स्ट मतलब नए चर्चा के साथ फिर मिलते हैं। और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।